Hello friends and welcome back to YouTube channel. So don't forget to like and subscribe and share. So basically अभी तक हमने काफ़ी कुछ देखा है जो कि related to stream, like कि एक map function का use हमने देखा, then filter को देखा, filter का कैसे use करते हैं, and count का भी use हमने किया. सो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, उसमें से एक है सॉर्टेड. सॉर्टेड अगर आपको कोई चीज़ सॉर्ट करना है, लेट सपोज यू हैव ए नंबर लिस्ट हैविंग नंबर राइट, बट वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो उस सॉर्टेड का हम लोग यूज करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं. तो आइए चलिए एक बार जल्दी से सॉर्टेड का एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं. तो मैं एक एरेज डॉट एज लिस्ट और इसके अंदर मैं नंबर लेता हूँ कुछ 67 43 23 26 98 89 98 समथिंग. ये सारे नंबर मैंने लिया है. अभी देखोगे ये रेंडम नंबर है, कोई सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. एक दो और नंबर मैं डाल देता हूँ 1 1 3 13 12 ओके. और इसको मैं एज लिस्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर नम इक्वल टू इंटीजर और यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट को इम्पोर्ट कर लिया मैंने. तो ये देखो कि आप यहाँ पे ये मेरा एक नंबर है जो कि लिस्ट ऑफ इंटीजर है और इसमें रैंडम नंबर है ओके. नाउ इसको मैं क्विकली प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नम ओके. नाउ इस नम को अगर आप प्रिंट करोगे तो देखोगे सेम ऑर्डर है. तो आपको ऐसे भी पता होगा कि एरे जो लिस्ट होता है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, तो जो भी ऑर्डर में आप इंसर्ट किए हो वही ऑर्डर में आपको आउटपुट में मिलेगा. बट एक्चुअली हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि इनको मैं सॉर्टेड ऑर्डर में करूँ, सॉर्टेड करना है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा देखिए. मैं मेरे पास नम है राइट. नम डॉट पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रीम डॉट. अब डॉट क्या करना है मुझे बेसिकली, इसको क्या करना है सॉर्टेड करना है. तो एक सॉर्टेड फंक्शन है राइट, सॉर्टेड यूज करेंगे, देन उसको मैं कलेक्ट कर लूँगा. और कलेक्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कलेक्टर्स यूज करना है, और कलेक्टर्स के अंदर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो टू लिस्ट करना है राइट. और इसको आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं एस ओ पी ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगा देता हूँ ओके. नाउ इसको एक बार मैं क्विकली रन करके आपको दिखाता हूँ तो क्या आउटपुट आता है. तो आप देखिएगा अब मेरा आउटपुट ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया. तो पहले मेरा एक जो इंसर्टेड ऑर्डर था, इंसर्टन ऑर्डर मेंटेन हुआ था, और नाउ अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया. तो राइट नाउ अभी क्या हुआ कि हमने अपने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में राइट. अब सॉर्टेड भी फंक्शन अगर आप देखोगे तो मैं आपका एक बार आपको फिर से ये लाइन दिखाता हूँ. ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा डॉट सॉर्ट सॉर्टेड. तो यहाँ पे सॉर्टेड आप देखो कि दो हैं फंक्शन सॉर्टेड के, एक सॉर्टेड है विदाउट आर्गुमेंट और दूसरा सॉर्टेड है कंपरेटर, कंपरेटर एज ए आर्गुमेंट लेता है राइट. तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो ये कंपरेटर का आर्गुमेंट लेगा. अगर आपको सॉर्टिंग डिफॉल्ट सॉर्टिंग यूज करना है तो आप डायरेक्टली सॉर्टेड यूज करो. अगर आपको कस्टमाइज सॉर्टिंग यूज करना है तो उसके लिए आपको कंपरेटर यूज करना पड़ेगा. तो ये कंपरेटर वाले फंक्शन को यूज करना होगा. आप कलेक्शन का वीडियो में ये कंपरेटर बेसिकली कंपरेटर का कंसेप्ट आता है. अगर आपको क्लियर नहीं है कलेक्शन तो मे बी आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे करते हैं. आप कमेंट करो नीचे वीडियो में, प्रॉब्ली मैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कंपरेटर का बना दूंगा. सो बेसिकली ये क्या करेगा कंपरेटर, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ अभी. उसका लैम्डा दिखाता हूँ आपको. लेट सपोज ए इज ए वन ए आर्गुमेंट, ए एंड बी लेगा एज ए इनपुट
एंड इसका लेमडा होगा ए डॉट कंपेयर, आपको पता हो कंपेयर टू, और कंपेयर टू में मैं क्या करूँगा बी को, तो ये क्या होगा, ये मेरा नेचुरल होगा, डिफॉल्ट सॉर्टिंग होगा, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा सेम, ओके और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कस्टमाइज सॉर्टिंग, राइट, सेकेंड वन। बट अभी तो मैं डायरेक्ट कंपेरेटर यूज़ किया हूँ और ए को कंपेयर कर रहा हूँ बी से, तो इसको पहले मैं अभी डायरेक्टली चलाता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। अभी सेम आउटपुट आएगा, देखिए ये दोनों सेम आया, क्यों, क्योंकि ये एक तरह से आपका डिफॉल्ट नेचर सॉर्टिंग ऑर्डर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको आप तो आर्गुमेंट या तो फ्लिप कर दो, यहाँ पे आप कर दो बी और यहाँ पे कर दो ए, और अदरवाइज यहाँ पे कर सकते हो ए के पहले माइनस, तो क्या होगा उसका निगेट लेगा। तो अब आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, नाउ 89 98 89, देख रहे हो। तो ये हमारे पास दो हैं सॉर्टेड में, हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो डिफॉल्ट सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, और दूसरा जो फंक्शन है उसका हम लोग यूज एज ए कस्टमाइज सॉर्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप किसी को भी यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।